Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie imagination. हमको व्यूअर आप लोगों को बहुत इतना स्नेह जो हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये जो शो है आपको अगेन एक माइंडसेट चेंज करेगा. सीरीज में है, ये तीन शो आएंगे इसके एक साथ. और विश्व कितनी तेजी से बदल रहा है और आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के कि किस तरह भारत बचा हुआ है या भारतीय लोग अपने धर्म को पालन करते हुए दे आर स्टेइंग और वो अभी तक जो है रुके हुए हैं और आगे बढ़ने भी वाले हैं. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते एंड वेलकम टू द शो. नमस्कार. आज का विषय तो आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद जी, क्योंकि बैठे ये सूझ जी. हाँ बोलिए. हाँ मैं बोल रहा था आनंद आएगा. और आजकल सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट जियोपॉलिटिक्स है, तो बाकी लोग बम खा रहे हैं और हम लोग समोसा खा रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो भी समोसा खाए. जी 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 जी, वो लोग भी पेड़ा खाए. सब समोसा पेड़ा जलेबी बर्फी खाएंगे, ऐसी दुनिया बनने जा रही है जी. लेकिन यहाँ पे अमेरिकियों के दिमाग में ऐसा कुछ लगता नहीं है. जब मैं देखता हूँ यहाँ के पॉलिटिशियंस को, कुछ लगता नहीं है. ऐसा लगता है अपने जीवन से वो हताश हो चुके हैं. मुझे तो ऐसा नहीं दिखा उनकी राइटिंग में. तो आज हाँ बोलिए जी, तो आज जो हम लोग विषय जो हम ले रहे हैं तेजी से बदलता विश्व, तो आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं इमीडिएटली बेस्ड, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है जियोपॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में, क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं इस समय? देखिए मैं कल शैलेंद्र कुमार जी से, शैलेंद्र भैया जी से गप्पे कर रही हूँ. हाँ. तो मैं बोली भैया मेरी आयु 70 साल है और ज्योतिषियों के अनुसार 84, और स्वामी जी ने माथा देख के कहा 90, तो इस 20 साल में क्या क्या हो जाएगा. उन्होंने कहा दीदी पूरे 75 साल की बात कीजिए. मैंने कहा अच्छा करती हूँ. फिर मैंने बड़ा विचार किया कि 25 साल का तो मैं पूरा ग्राफ बना सकती हूँ. कारण अभी जो चल रहा है, जो लीडर्स हैं, जो मेन ड्राइवर्स हैं, जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं, और दुनिया भर की और बात, उन्होंने कहा अच्छा यही करिए. तो अपने लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने भी देखा है 2014 के बाद भारत में कितनी तेजी से बदलाव आया है. आप लोगों ने ये भी देखा कि विश्व में भी घटनाएं कितने तेजी से चल रही है, जिस शी जिनपिंग, जिस चाइना, जिस डेंग को अमेरिकन ने खड़ा किया वही सरदर्द हो रहे हैं. और आपने ये भी देखा कि वो सफाई भी तेजी से हो रही है. और हम लोगों ने ग्रेटर इजराइल वाली बात की, हाँ भी अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं. तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तीन टॉप करेंगे. पहला, सनातनी होता हुआ युग, बड़ा आश्चर्य होगा लोग. दूसरा, बिखरते आर्टिफिशियल इलीगल नेशन. और तीसरा, रहस्य है, रोमांच है और बहुत अधिक आनंद होगा. तीसरे का विषय तीसरे ही भाषण में. तो ये जो पहला है सनातनी होता युग, अरे भाई यूरोप तो सदा सनातनी ही था ना, शुरू से ही था, ये तो किसी को याद ही नहीं आ रहा है. ये मेरी बुक में है ना जी, मेरी बुक में तो डिटेल मैंने लिखा है कितने सारे सनातन स्थल है वहां पे. और लोग इस मैप को भी देख सकते हैं, जहां जहां पे मैप से निशान लगाए हैं, सारे तो मनवाते नहीं है. ओरिजिनल एटलस में आपने बहुत दिया, मेरी बड़ी इच्छा है उस पर एक या दो टॉक करने की, मुझे उस पुस्तक में क्या क्या दिखाई दे. तो यूरोप वाले सीरीज में पहले और दूसरे भाषण में ही हम लोगों ने चर्चा की थी सत्तोलॉजी पर, जो यूरोप के सीरीज में 28 या 30 भाषण या 25 भाषण हुए हैं, कि यूरोप में तो हिमयुग था, आखिरी हिमयुग 10,000 साल पहले गया है. आखिरी हिमयुग की जो
इतनी ऊंची 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऊंची जो बर्फ थी, इसको पिघलने में कितने हजार साल लगे। और पिघलने के बाद यहाँ पर लोग आ आकर बसे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे सेंट्रल एशियन भरतवंशी लोग। इनके यहाँ नाम सुनते हैं हम लोग, फ्रैंक है, गोथ है, मगयार है, वंडाल है, ये तो बाद वाले हैं, उसके पहले वाले उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। तो ये जो जा रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये मूलतः शक लोग, ये मूलतः वृषल क्षत्रिय लोग हैं। और इनका विस्तार से वर्णन महाभारत में आया है, नंदिनी वाली कथा। तो ये जो जो सबसे पहले जो जाकर बसे हैं, वो जिसको मेनलैंड यूरोप कहते हैं वहां तो गए नहीं, जिसको मेडिटेरियन कहते हैं, इसमें जो नन्हे नन्हे आइलैंड है, खास करके जो क्रीती आइलैंड है जिसको अंग्रेजी में, इनके पास तो चूंकि अल्फाबेट्स भी नहीं है, पूरे 26 ही हैं, तो उसको ये लिखते हैं CRETA, इसको क्रेते पढ़ लो, क्रीती पढ़ लो, नहीं तो KRITI लिखते, तो क्रीती कई जगह क्रीती भी है, क्रीती में बसे। फिर जिसको ये ग्रीस कहते हैं, जो वस्तुतः चंद्रवंशी ए जाके जो बसे, ये मेडिटेरियन का जो पूर्वी हिस्सा है जिसको एजियन सी कहते हैं, नन्हे 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 ऐसे छिटके हुए से द्वीप, क्यों यहाँ आकर बसे? क्योंकि यही की जलवायु इतनी गर्म थी कि थोड़ा बहुत अनाज हो जाता था, थोड़ा बहुत जानवरों के लिए चारा हो जाता था, ये रहने योग्य था। और मेनलैंड यूरोप तो अभी भी बर्फ से बसा। इसके बाद बीसी में, 400 BC, 500 BC, 300 BC में एक रोम नाम का नन्हा सा बसावट है, गांव भी नहीं, जो कालांतर में जाकर एक गांव बनता है, फिर एक नगर बनता है, फिर एक साम्राज्य की राजधानी बनता है। ये लोग भी कौन है? लगातार सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पशुपालक समाज है, अपने पशुओं के लिए घास के चरागाह ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। बर्फ पिघल गई है, नई नई घास हो रही है कोमल कोमल हरी हरी, तो कोमल कोमल घास को चराने आ रहे हैं। अब और थोड़ा समय बीता, एडी आ गया। एडी आते हुए ये जो आल्प्स के नीचे वाला एरिया है और थोड़ा सा ऊपर वाला भी एरिया, जगह जगह अलग अलग पैचेज हैं, वहां पर घास हो रही है। घास होने में लगातार सेंट्रल एशिया से सनातन धर्मी, अभी तो जीजस की कथा लिखी ही नहीं गई है, पैगंबर साहब को भी बड़े दिन बाद उनकी कथा आएगी, तो सनातन धर्मी भरतवंशी लोग यहाँ अपने पशुओं को लेके आ रहे हैं। और हरी घास पहले 2-4 महीने मिल रही है, फिर 8 महीने मिल रही है, फिर 9-10 महीने मिल रही है, फिर धीरे धीरे सेटल कर रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत खेती भी कर रहे हैं। और ये जो इंग्लैंड में जाकर बसे, उनका नाम मुझे नहीं आता। तो आज का जो विषय है वो मूल विषय क्या है? कि यूरोप सनातनी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोप सनातनी ही तो था। यूरोप को तो बसाया सनातनी भरतवंशी मध्य एशिया के पशुपालक समाज ने। इस पशुपालक समाज की दो और विशेषता थी। ये पशुपालक समाज कौन है? भरतवंशी है। तो ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग और जबरदस्त लड़ाके, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके छोटे छोटे आइसोलेटेड पॉकेट्स में बसे हैं। इनमें आपस में लड़ाई भी है, मार धार भी है। तो एक रोमन एम्पायर है जो कह रहे हैं 3री शताब्दी में अपने पीक पर है। ये रोमन एम्पायर भी क्या है? जो आया, जो बसा, जिसने रोमन सिटीजनशिप लिया, वो रोमन है। इनमें कोई यूरोप नाम की जगह का जन्मा हुआ व्यक्ति तो थोड़ी है। जैसे ये अमेरिका है, यहाँ के मूल बासिंदों को एक तरफ ढकेल दिया गया, मार दिया गया, यहाँ तो मूल कोई है ही नहीं, बर्फ से हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा सनातनी जम्बू द्वीप के उस क्षेत्र में जाके बसने लगे जो हिमकाल के बीतने पर मनुष्य के, जीव जंतुओं के, जानवरों के रहने योग्य हो। अब यहाँ अर्नाल्ड टोइन भी जो बता रहे हैं, 8वीं शताब्दी AD, यानी आज से 1200 साल पहले, ये क्या कहते हैं? 0 AD। फिर ये कहते हैं 3 AD के आसपास वो न्यू गॉस्पेल वगैरह है। लेकिन अर्नाल्ड टोइन भी का जो तिथि गणना है वो पूरी तरह यूरोप में मान्य है,
आठवीं शताब्दी यानी आज से 1200 साल पहले कोई जीजस नहीं हुए। जीजस की कथा कुछ लोगों ने खोपड़ी में रचा और सबने अलग अलग रचा, इसलिए न्यू गॉस्पेल का मतलब है उनके अनुसार सुसमाचार, कहानियां। तो चार की कहानियां है, चारों कहानियां अलग, फिर और बहुत कहानियां है, बहुत गप्पे हैं। तो ये 800 एडी के आसपास हो रहा है, जब हो रहा है तो इस 800 एडी से 1800 एडी को यूरोपीय लोग डार्क एज कहते हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो चर्चियोनिटी का जो एज है, जिसको ये गलती से, बदमाशी से या झूठ से क्रिश्चियनिटी का एज कहते हैं, ये इतना भयंकर है, इतना दारू है, इतने लोगों को मारा गया, काटा गया, स्त्रियों को नंगा किया गया, जलाया गया, घुटने की हड्डियां तोड़ी गई, हाथ की हड्डियां, मुंह में, योनि में तरह तरह के यंत्र फिट किए गए, लकड़ी के उस पर बांध के धीमी आंच में पकाया गया, जलाया गया, चमड़ी को धीरे धीरे चिमटी से उखाड़ा गया, भूख है, बीमारी है। जब तक सनातन धर्म है तब तक रोमन एम्पायर, जैसे ईसाइयत आती है ये सारी कथा, ये चर्च जैसे ही कंट्रोल लेता है ये सारी कथा शुरू हो जाती है। और इसी से घबरा घबरा के वो बाहर भाग रहे हैं। बाहर भागने वालों में दो नाम है, वास्को डी गामा कोलंबस, ये जिसको नई दुनिया कह रहे हैं अमेरिका, वो भी वस्तुतः पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया ये कह रहे हैं एशिया अफ्रीका को। इसके जब संपर्क में आते हैं तो इनकी स्मृति जागती है, जो क्योंकि सनातन धर्म 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी तक नहीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में भी यूरोप में कहानियों में, किस्सों में, मूर्तियों में, देवस्थानों में, पूज्य स्थानों में उपस्थित है, वर्तमान है, जीवित है, छिप कर हो रहा है काम। उन लोगों को ये लोग क्या कहते हैं, टेम्पलर्स कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, बड़ा सारा कथा कहानी है। वो लोग क्या है, छिप छिप के सनातन धर्म के रीति रिवाज रिचुअल्स का पालन करते, इसी में फ्रीमेसन वाले सब घाल मेल घाच पाच चलता। तो 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं के अंत में कोलंबस वास्को डी गामा है, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में 14वीं, 15वीं से पोस्ट मार्को पोलो ही शुरू हो गया है इनका रेनेसां। फिर इनलाइटनमेंट है, वहां के विचारों के आलोक में क्रिश्चियनिटी या चर्चियनिटी पर बहसें शुरू हो रही हैं, और इन बहसों के फलस्वरूप अनेक अनेक प्रकार के, ये जिसको क्रांति कहते हैं वस्तुतः वो विद्रोह है, वो विद्रोह शुरू हो रहा है पूरे यूरोप में चर्च के खिलाफ। 18वीं शताब्दी आते आते चर्च टूट फूट जाता है, 19वीं-20वीं में तो साफ ही होने लगता है अनेकानेक कारणों। और अब मतलब कम से कम 100-125 साल पहले से चर्च यूरोप में चर्च का पाप तंत्र, आसुरी तंत्र, पैशाचिक तंत्र, जिसने कॉलोनाइजेशन किया 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में शुरुआत है, 19वीं शताब्दी में कॉलोनाइजेशन किया, 20वीं शताब्दी में कॉलोनाइजेशन का स्ट्रक्चर टूट रहा है। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, जर्मनी जिसको ये हूण कहते हैं, जिनको सनातन धर्म की स्मृति अद्भुत याद है, हिटलर स्वस्तिक बनाता है, भले टेढ़ा सा स्वस्तिक बनाता है, ये खड़े होते हैं। और इन दोनों युद्धों के बाद नन्हे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, दोनों अमेरिका में, नन्हे बड़े छोटे इल्लीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट बनते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीच में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, और ये भयानक युद्ध, रक्तपात, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, मार काट, बलात्कार, बच्चों के साथ अन्याय के कारण बनते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को परमानेंट ध्वस्त कर देते हैं,
यूनाइटेड नेशन बनता है, उसके पहले लीग ऑफ नेशन बनता है, सोवियत रूस बनता है, सोवियत रूस भी कम्युनिस्ट रूस 90 में विखंडन हो जाता है, नाटो बनता है, वारसा पैक्ट बनता है, अमेरिका कोतवाल बन के संसार के साधनों को अपने लिए लाने को तरह तरह की गतिविधि करता है, करते करते यूरोप और अमेरिका तबाह। और 1990 के बाद से चर्च का जूठन है कम्युनिज्म, तो चर्च को तोड़ दिया इन्होंने 19वीं शताब्दी में। इससे हम आज नहीं जाएंगे ये यूरोप वाली सीरीज में। और 20वीं शताब्दी में तोड़ दिया कम्युनिस्टों के रीढ़ की हड्डी सोवियत रूस में से, सोवियत जितने भी हिस्से थे, दूसरे हिस्से जिसको कम्युनिस्टों ने अपने कब्जे में ले लिया, वो 19 हिस्से अलग हुए और ये केवल रूस बच गया। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विचार करना शुरू किया, यूरोपियन लोगों ने विचार करना शुरू किया कि भाई हम सुख चैन से कब है, यानी 1990 मतलब आज से 30-35 साल। इसी के साथ आप लोगों को ध्यान होगा एसिड रेन की बात हो रही है, पर्यावरण के नष्ट होने या विकृत होने या खराब होने की बात हो रही है। इसी के साथ बात हो रही है ग्रीन मूवमेंट की, इसी के साथ बात हो रही है डीप इकोलॉजी की और वो क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, और बात हो रही है नए हिमयुग के आने। और ये मैं सब जो बोल रही हूँ कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे कोई गैब्रियल तो आता नहीं है, यूरो अमेरिकन सेंटर्स जो लिख रहे हैं, मैं इनको विद्वान नहीं कह स्कॉलर क्या होता है, मुझे विद्या से इनका कोई नहीं। तो यूरोपियन एकेडमिक सेंटर जो लिख रहे हैं, बहुत विस्तार से लिख रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इनकी चिंता हो रही है दोबारा मर के खत्म हो जाए क्या, दोबारा उन्हीं कलहों में फंस जाए क्या जो कलह पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर का है, क्या फिर से उसी भूखमरी उसी बीमारी 1918 का फ्लू याद कीजिए, बीच में एड्स याद कीजिए, कैंसर याद कीजिए, हार्ट के रोग याद कीजिए, स्किन के रोग याद कीजिए, लेटेस्ट कोरोना याद कीजिए, यानी महामारियों का लगातार सिलसिला, इसमें नष्ट होके मर जाए क्या, या जो मिल गया है उसको संजो के बचा कर ठीक से जी ले। इसलिए अमेरिका अपने थानेदारी की जिम्मेदारी भारत को थमा रहा है और इजराइल को थमा रहा है, ग्रेटर इजराइल बन रहा है, ग्रेटर भारत नहीं, स्वाभाविक भारत उभर रहा है। तो ये जो यूरोप में सनातन होता हुआ यूरोप है, मैंने कहा ये मामला कोई 100-125 साल पहले से, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं चार मेन ट्रेंड्स की प्रवृत्तियों की बात करूंगी यूरोप में। एक न्यू साइंस में जो आइंस्टाइन के साथ 1905 में या थोड़ा उसके पहले, और क्वांटम फिजिक्स जो एटम्स की सर्च कर रहा है उसके साथ शुरू हुआ, उसकी चर्चा आज करूंगी। इसके साथ मैं चर्चा करूंगी गायन इकोलॉजी, गाया धरती। अब यूरोप के साइंटिस्ट अमेरिका के साइंटिस्ट कह रहे हैं धरती गाया है, गाय है, ऑर्गेनिक है, इसमें जीवन है, बहुत से इसको माता भी कह रहे हैं, तो गायन इकोलॉजी। तीसरा मैं बात करूंगी फेमिनिज्म वाला नहीं, विक्का फेमिनिज्म। इस विक्का शब्द में दो ध्वनियां हैं, वाइज और विच। विच चुड़ैल जो बनाया, विच वो विक्का से बनाया, विक्का भी बना वाइज से। तो जो बुद्धिमान स्त्रियां हैं जिनको चुड़ैल कह के चर्च ने नाश किया, वो दोबारा खड़ी हो रही हैं। लेकिन मैंने विक्का इसलिए कहा वो बुद्धिमती स्त्रियों के रूप में भी खड़ी हो रही हैं और चुड़ैलों के रूप में भी खड़ी हो रही। और चौथा पेगन मूवमेंट की मैं बात करूं। तो एक्चुअली आप यूरोप जी
वो जो पृथु महाराज की कहानी है जहाँ पे भूमि गाय बन के आती है और फिर वो दूते हैं, वो भी एक है। लेकिन जो इनकी कहानी है जो इन्होंने गाय मूवमेंट में बनाई है वो टोटली डिफरेंट है अभी इस समय। अब देखिए, ये एक तो शिशु समाज है, इन्फेंट सोसाइटी, 2500 साल भी मान लो, या चर्चियांटी ने जो इनको तहस नहस किया, उसके बाद जो 200 साल में खड़े हो रहे, ये नन्हे नन्हे शिशु। और शिशु भी कैसे हैं, जिस पर कलेजा फट जाए ऐसे अत्याचार। तो इनकी कमियों को हम लोगों को उपेक्षा करनी चाहिए। तो को आइए सही हम लोग बोला पहले ले न्यू साइंस को। तो करेक्ट 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में वो न्यूटोनियन, डेकार्टियन, मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू और दुनिया भर की चीजें। इसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1905, यानी और 5-10 साल पहले से कुछ लिख पढ़। और यही समय है जब यूरोप के लोगों के पास वो माइक्रोस्कोप और क्या 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 आ गया। तो वो नन्हे से नन्हे माइक्रो का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब अणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, परमाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो सारा न्यूटन डेकार्टे ने जो बताया है वो सब फ्यूज उड़ जा रहा है। वो जो दिख रहा है उसके नीचे, वो उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो इन वैज्ञानिकों में ओपेनहाइमर कोई गीता पढ़ रहा है 1940-50। स्टज़ाफ कापरा ने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, दाओ ऑफ फिजिक्स, आप लोगों को मैं कहूंगी देखिएगा। मैंने उस पुस्तक को देखा था 87-88 में, तो उसके कवर में, के कवर पर नटराज भगवान शंकर थे, और नटराज के साथ उन्होंने अणुओं के लास्य को, नृत्य को, डांस ऑफ शिवा को उन्होंने बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट किया। अब तो कवर बदल गया चर्च का। इसके साथ उनका दूसरा पुस्तक था द टर्निंग पॉइंट, तीसरी पुस्तक थी द वेब ऑफ लाइफ। इसी तरह बहुत और लोगों ने, एक मेरे मित्र है रहे हैं रूपर्ट शेल्डर, उन्होंने लिखा मॉर्फिक रेजोनेंस थ्योरी। अगर कहेंगे आदित्य जी तो सबको आप लोगों को सुनाऊंगी, बहुत आनंददायक है। लेकिन आज का विषय, तो इन लोगों ने कहा कि ये सब कुछ जो समझ में आया है, ताला फिजिक्स पढ़ी, ये 1970 के आसपास लिखी है, कि हमको ये सब कुछ समझ में आया ईस्टर्न मिस्टिसिज्म से। ईस्टर्न मिस्टिसिज्म क्या है? तो भगवान शंकर है, विष्णु है, ब्रह्मा जी है, फिर कुछ को भगवान बुद्ध है। लेकिन कौन है भैया सनातन धर्म से समझ, सनातन शब्द का नहीं प्रयोग करेंगे, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म करेंगे। तो ईस्ट कहो, भारत कहो, संपूर्ण जम्बू द्वीप करो कहो, इसको जो सनातन है उसको ये मिस्टिसिज्म कह रहे हैं, चर्च के डंडे के डर, या चर्च के दुष्टता के डर से। डंडा तो खत्म हो चुका है, वेटिकन आधे किलोमीटर में 45 में बड़ा रोने धोने पर। तो ये जो न्यू साइंस मूवमेंट, ये न्यू साइंस मूवमेंट चर्च को पूरी तरह, क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह रिजेक्ट करता, रिजेक्ट तो कर रहा है कोपरनिकस भी, गैलीलियो भी, वो तो मार कूट रहे हैं, रिजेक्ट कर रहा है न्यूटन और डेकार्टे भी, लेकिन बहुत डर डर के चर्चियनिटी के फ्रेमवर्क में। और भी बहुत सारे लोगों का नाम आया, 18वीं 19वीं शताब्दी में इनलाइटेनमेंट मूवमेंट है, बहुत सारे मूवमेंट है, सब चर्च को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चर्च को रिजेक्ट करके सनातन धर्म की पताका को थाम रहा है न्यू साइंस मूवमेंट, आज से 100-125 साल से। अब ये विकसित हो रहा है। दूसरा जो मैंने गायन इकोलॉजी, तो यूरोप की तो कथा सुनाई है, लंदन की कैसी भयंकर हालत हो गई है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 1911 की कथा सुनाए हैं, उसके बाद बाकी जगह हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नष्ट हो रहा है, फिर 45 से 70 वाले पीरियड में बहुत तेजी से, मार्शल प्लान के बाद बहुत सारी घटनाओं के कारण तेजी से पहली बार इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। और इंडस्ट्रियलाइज होते ही
भयंकर पर्यावरण का संकट है। यह ऐसा संकट है कि 1966 में अमेरिका में एक किताब छपी साइलेंट स्प्रिंग की, बसंत तो आ गया लेकिन चिड़ियों का कलरो नहीं है, कलियां खिल नहीं रही हैं, हवा का गुंजन नहीं है, मधुमक्खियों और भौरों का। तो उसके बाद 1975 में आ गया क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट, लिमिट्स टू ग्रोथ, फिर उसका शुमाकर का स्मॉल इज ब्यूटीफुल, फिर एडवर्ड गोल्ड स्मिथ का यू टर्न और दुनिया भर की चीजें, अपने इनका द सोलर पैराडाइम, महिला ऑथर है याद नहीं आ रहा नाम, फिर वो लद्दाख पर आ गया एंशियंट फ्यूचर्स, उसका हेलेना नोरबर्ग हॉज है या क्या नाम नहीं याद। तो ऐसे एक गायन एटलस आ गया, और ये जो गाया शब्द है जेम्स लवलॉक नासा में, अमेरिका के नासा में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करते समय जब गैसेस का, गैस को क्या कहें, गैसेस का जब अध्ययन करते हैं तो कहते हैं पर्यावरण मनुष्य की गतिविधियों से केवल प्रभावित नहीं है, ये मनुष्य की गतिविधियों को रेगुलेट भी करता है। क्योस थ्योरी आई कि कैलिफोर्निया में जब तितली फड़फड़ाती है तो ऑस्ट्रेलिया में तूफान आता है, या ऑस्ट्रेलिया में तितली फड़फड़ाती है तो कैलिफोर्निया में तूफान आता है। फिर ये कहते हैं रॉक्स में भी मेमोरी है, फिर ये एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये सिस्टम्स यू की बात करते हैं, और ये पुनः सनातन धर्म के निष्कर्षों के पास आते हैं, लजाते हुए शर्माते हुए ये ध्यान करते हैं, ये योग करते हैं, ये मंदिर जाने लगते हैं। मामला यहाँ तक बढ़ता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति ब्लैक मैडोना की सवारी अपने कंधे पर निकालता है, पूरा यूरोप ब्लैक मैडोना भगवती काली की उपासना, और सब मैडोना को दबा दिया है, केवल ब्लैक मैडोना बची है उसकी उपासना करता है। बहुत सारी चीजें हैं, सबको तो मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ये जो गायन इकोलॉजी है तो धरती को माँ कह रहे हैं, लेकिन फिर वही चर्च वाली खोपड़ी, इस हाथ में धरती माता है, ये हाथ एक पुरुष का है, बड़ा मैनिक्योर्ड हाथ है, हम सब संभाल लेंगे, अरे तेरी औकात है। तो ये उस तरफ जा रहा है। तीसरा विकम, तो इसी में नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती, जीव हत्या बंद हो, वेगन वीगन मूवमेंट, फिर ये जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसी पर मनुष्य चले, आयुर्वेद की तरफ, अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल की तरफ, दुनिया भर के ट्रेंड चल, और ये ट्रेंड चलते चलते 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल वाल्डेन जो थोरियो टोरियो जो भी है, डेविड थोरियो हम बोलते हैं, उसकी वाल्डेन किताब तो लेट 19th सेंचुरी की है, उसी समय शुरू है जो भी है। अब तीसरे पर आ जाए हम, मैं तेजी से चल रही हूँ। तो मैंने कहीं जरा सा संदर्भित किया है कि स्त्री को चुड़ैल बताकर चर्च ने यूरोप में और अमेरिका करोड़ से ऊपर स्त्रियों को धीमी आग में भूनकर जलाकर यातनापूर्ण तरीके से तेल में उबालकर पानी में उबालकर हाथ पांव में कील ठोक कर चमड़ी उधेड़ के पता नहीं कितने कितने भयंकर तरीके से घुटने टेक कर पूरे शरीर में पिंच उभो कर उसके शरीर पर शहद डाल के पुरुष उसको जीभ से चाटते दुनिया भर का, इसको चुड़ैल घोषित करने के बाद किया। और चुड़ैल का ये कानून में कानून के अंतर्गत इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 50s की डिकेड में एक महिला को सजा दी गई। और आदित्य जी ने बताया 2021 आज से 3 साल पहले ये चुड़ैल कानून इंग्लैंड से रद्द हुआ है। इंग्लैंड से रद्द हुआ, मेरा मानना अगर 21 में इंग्लैंड से रद्द हुआ है तो अभी यूरोप के कई कैथोलिक देश में ये कानून पड़ा।
नहीं, आज का डेटा है यूएस में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए थे कुछ साल पहले एपस्टीन इंसिडेंट में, और तो इट इज वेरी कॉमन नाउडेज यहाँ पे। सो विच इज ए मामला क्या है, मेरा विस्तार से पढ़ा हुआ है, तो जब अंग्रेजी में बोलना शुरू करूंगी तो आपको बताऊंगी। हिंदी में बोलना इस सारे मामले को थोड़ा सा, मेरे लिए भी 70 की आयु हो गई है फिर भी कर। तो ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग विक्का पर आते हैं। मामला केवल चाइल्ड का नहीं है, मामला और भी कहां तक जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्त्रियों ने इसके खिलाफ तरह तरह के विद्रोह किए, और ये विद्रोह शुरू हुआ खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्या हुआ, जगदम्बा की कृपा से भयानक युद्ध हुआ। भयानक युद्ध में जो युवक थे, जो यूथ था, जो एडल्ट मेल था, वो तो लड़ने चला गया। तो पहली बार यूरोप में वुमन जो है वो घर के बाहर निकली, सड़क पर काम संभाली, फैक्ट्री में काम संभाली, सप्लाई लाइन में काम संभाली, हॉस्पिटल में काम संभाली। पहली बार यूरोपियन क्रिश्चियन वुमन का इमैन्सिपेशन, जिसके शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या में जाए तो बहुत कुछ आएगा। इसके बाद जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंटरवॉर पीरियड में इनको घर में बंद कर दिया गया। ग्रेट डिप्रेशन आया, वापस घर में बंद कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, दोबारा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इन लोग को रबड़ मिल गया था, रबड़ से कॉन्ट्रासेप्टिव। 50s तक आते आते पिल आ, इसी समय प्राइड आ। प्राइड भी जू है, आइंस्टाइन भी जू है, और कार्ल मार्क्स भी, पर अलग से बात करते। तो जो वो चर्च ने श्राप की कथा रची थी कि द मोमेंट यू विल हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद मैन यू आर कर्स्ड टू कंसीव अ चाइल्ड एंड गिव बर्थ ऑफ लेबर पेन और वाइट। तो महिला ने कहा, ना भाई, तेरे कर्ज की ऐसी की तैसी, मैं तो पिल खा लूंगी, मैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर लूंगी। चर्च की जकड़न बुरी तरह एक साथ 50s और 60s में टूटी, वो फिर ब्रा बर्निंग हुई। अब ये ब्रा बर्निंग का बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि स्त्री शरीर को लोहे में, हड्डियों में किस प्रकार कसा जाता, अगर आप लोगों ने टाइटेनिक फिल्म देखी तो देखा होगा उसकी हीरोइन को उसकी माँ ड्रेस के अंदर कॉर्सेट कैसे पहनाती है। ये कॉर्सेट क्या बला है, ये वर्जिन बेल्ट क्या बला है, भयंकर चीजें हैं, आज नहीं बताऊंगी। तो स्त्रियों ने तोड़ा फोड़ा, और वापस स्त्रियों ने नहीं यूरोपियन क्रिश्चियन वुमन ने कहा, हमारे देह पर हमारा अधिकार है। और चर्च के द्वारा प्रचारित गॉड के श्राप की ऐसी की तैसी, श्राप की ऐसी की तैसी मतलब चर्च की ऐसी की तैसी, प्रीस्ट की ऐसी की तैसी, और यूरोप में चर्च बिक्री होने लग गए, होटल बनने लग गया, क्लब बनने लग गया, गुरुद्वारा बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, चर्च जाना छूट गया। और ये स्त्रियों में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां आई। कुछ तो आई स्वयं को चुड़ैल के रूप में, वो आंख को बिल्ली की तरह बनाना, आंख का मेकअप, वो जो ओठ को ऐसे करके देना, तरह तरह का आया। लेकिन साथ में 22 वुमन, इसीलिए मैंने शब्द दिया है विक्का, यानी यूरोप की स्त्री स्वयं को सनातन के आलोक में शक्ति स्वरूपा बुद्धि, अब उसका भी एक्सट्रीम हो गया जरा, शक्ति स्वरूपा बुद्धि स्वरूपा ज्ञानवती शीलवती तरह से, लेकिन सनातन के आलोक में उसको पता चला वो देवी रूप। अरे देवी रूप तो हमारे आदित्य जी भी हैं, और मुझमें भी विष्णु का अंश है, क्योंकि ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, है। तो ये जो विक्का मूवमेंट है ये भी सनातन की तरफ लौटना है।
मैं चौथे पर आने के पहले आदित्य जी से बात करूंगी। तो मैंने तीन मेजर प्रवृत्तियों की बात की जो 20वीं और 21वीं शताब्दी के है, इसके जड़े 19वीं में भी है। 20वीं और 21वीं मतलब 125 साल से, क्या क्या? न्यू साइंस, काया इकोलॉजी, विक्का, और ये तीनों जो अंकुरित हुए, पौधे बने, वृक्ष बने, अब फूल आ गए हैं, अब फल लगने वाला है। यूरोप सनातन की तरफ है, सुख की तरफ है। अब यूरोप और अमेरिका की आकांक्षा क्या है? हम भी इन लोगों की तरह समोसा, जलेबी, कचौड़ी खा ले, हम भी इनकी तरह सुंदर आभूषण पहन ले, सुख शांति से कुटुंब में रह ले। तो ये जो यूरोप की आकांक्षा है, पेगन पर भी मैं आऊंगी उसके बाद दो तीन चीजें और, ये आकांक्षा इलीगल नेशन स्टेट को बिखरने, पिघलने, टूटने और हवा में विलीन होने के लिए मजबूर करता। एक जो आपने ट्रेंड बताया, अभी योग ने, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनिशिएटिव था वर्ल्ड योगा डे 21 जून को, उसकी वजह से आज जो यूरोप में स्टैटिस्टिक्स है, 110 मिलियन लोग योग स्कूल्स में जाते हैं। 110 मिलियन अरे बाबा, तो इट्स बिग नंबर। 11 करोड़ लोग, टोटल पॉपुलेशन करीब 350 करोड़ है, और 11 उसमें से 110 करोड़ लोग योग जाते हैं, और इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल थेरेपी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का थेरेपी है। अमेरिका में इलीगल है लेकिन यूरोप में लीगल है। तो वहां पे आयुर्वेदिक आपको स्पाज मिल जाएंगे जर्मनी में, हंगरी में, और हंगरी में तो करीब तीन हमारे सनातन धर्म के कम्युनिटीज हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं जहां पे लोग जाते हैं। म्यूनिक में नरसिंह देव का मंदिर खुला था 30-40 साल पहले। तो बहुत ये सब डेटा है उधर, वहां पे जो आप बता रही हैं। तो मैं दर्शकों को बोलूंगा कि दिस इज आल्सो ए फैक्ट जो भी चल रहा है। तो सभी को एक साथ हम लोग गाली नहीं दे सकते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल आल्सो, दे हु आर क्लोज टू आवर कल्चर। अब ये चौथा जो पेगन मूवमेंट है, हाँ, तो आप ध्यान कीजिए 1970 के 60s के आसपास हिप्पी कल्चर आया यूरोप में। आदित्य जी, Yes. हिप्पी कल्चर में चर्च को उठा के लाल सागर में इन्होंने पटक दिया। बिल्कुल ठीक, काठमांडू आ रहे थे। वो समय था जब भारत के अध्यात्म और धर्म क्षेत्र के मार्जिनल लोग यूरोप जाते। करेक्ट, मार्जिनल लोग, मेन स्ट्रीम तो कोई इधर ताका नहीं, मेन स्ट्रीम में पात्र के अनुसार तो देंगे ना। करेक्ट, वहां तो कटोरी और लोटा नहीं था, ये सागर थे, और वहां तो चम्मच था। तो हमारे मार्जिनल लोग गए जो चम्मच में दो चार चम्मच जितनी पात्रता में दो चार दूध टपका। मैं 5-7 नाम ले रही हूँ। रजनीश, कैसी भयंकर फॉलोइंग हुई थी कि पेंटागन इन्वॉल्व हो गया, CIA इन्वॉल्व हो गया, उनको यहां से वहां, वहां से वहां भगाया गया। जिस देश में जाते अमेरिका पीछे पीछे भागता, चर्च पीछे पीछे भागता। क्यों भाई, रजनीश की तो भारत में क्या हैसियत थी? धर्म क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र, या यूनिवर्सिटी के, जबलपुर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एक अध्यापक थे, नोबडी। और अमेरिका के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी को उनके पीछे लगना पड़ा, उनको जहर देना पड़ा, उनको मारना पड़ा। जहां जहां उनका जहाज जाता वहां वहां CIA या पेंटागन या कौन जो भी है वो पहुंच के मना करता। यहाँ महेश योगी जी की कैसी जबरदस्त फॉलोइंग है। अमेरिका यूरोप का एलीट क्लास, ध्यान दीजिएगा, इनका फॉलोअर इन दोनों का कौन था? अमेरिका का एलीट था। जो एलीट इन तीन मूवमेंट, न्यू साइंस, गायनिकोलॉजी और विक्का के कारण चर्च, चर्चियानिटी और उसका जो सेकुलर एक्सप्रेशन था कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म से निकला हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट और ग्रोथ, उसका
सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में जो विष घुला उससे मुक्ति के लिए वहां का एलीट क्लास इनके पीछे, हिप्पी हम लोग को घटिया लगते थे इनके खाते पीते घरों के और या एलीट क्लास के। मैंने तीन नाम लिया, एनी नंबर ऑफ, तो भगवान गए हमारे यहाँ से 10, 20, 25। मुझे याद है जब मैं 1975 में एमए में थी तो उस समय धर्मयुग पढ़ती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, तीन भगवानों को लेके बड़ा हल्ला, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। और फिर इस्कॉन श्रील प्रभुपाद हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट कब का है, 70s का है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 69 में शुरू हुआ, 69। और इनका क्या प्रभाव पड़ा, एक व्यक्ति जिसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं, भारत में जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसके पीछे कोई शक्ति नहीं, अटर मार्जिनल पर्सन, और ये वहां जाकर अपने जीवन काल में 10-20 साल में कितने देशों में कितने बड़े लोगों को अपना फॉलोअर बनाया, कि जैसा भारत में कीर्तन नहीं होता है वैसा 80s 90s में दुनिया में यूरोप में चर्च के गढ़ में कीर्तन होता। 108 मंदिर खोले प्रभुपाद ने, और अल्फ्रेड फोर्ड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड वो भक्त है भी, वो मायापुर। और जब ये गए हैं श्रील प्रभुपाद, मेरे समझ से 60+ थे, 70 के आसपास, 69 थे। तो अपने लाइफ टाइम में वो ये कर लिए, यानी 10-15 साल में। अब आइए गोवा में एक हिंदू जन जागृति संस्था है, अभी ताजी ताजी बनी है 20-25 साल। दुनिया के 20-30-50 देश में ऑनलाइन हरि नाम जाप चल, ईरान में बहुत जबरदस्त हरि नाम जाप इनके यहाँ चल रहा है, मैंने आंख से देखा है गोवा में और मुंबई में। ये जो सो कॉल्ड मुनाफिक और मुशरिक देश है, ये कौन है, ये सब सनातनी देश है। यहाँ से बाकायदा अपने कपड़े और बुरका में लोग आ रहे हैं और हरि नाम जाप। अब रुकिए और सुनिए, और हम लोग भी एग्जाम्पल है, हम लोग खुद ही एग्जाम्पल है। हमारा everydaychant.com ऑनलाइन मंदिर चलता है, उसमें 17,000 लोग डेली ज्वाइन करते हैं पूरे अमेरिका में, 17 साल से। सोचिए, अच्छा, इसके अलावा अब ये ट्रेंड के 50 और उदाहरण है जो मैं दे नहीं पा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, समय भी हो रहा। एक और, स्वयं गोरे लोगों में जो चला सनातनी होने का, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई बौद्ध है, कोई ध्यान है, कोई योग है, इस सीमा तक कि बराक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति लेके घूम रहा है। भारत आता है तो बताता है मेरे पास है और मुझे इनसे शक्ति मिलती है। यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है, वो ओथ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं लेता है, आदमी के लिखे हुए कागज पर, जैसा भारत में, वो भी अंग्रेजों का एक नौकर था, इंडियन सिविल सर्विस का कोई राय राव, उसने बनाया था इंडियन, भारत के मूर्ख उसी पर लेके वो बाइबल बाइबल पर शपथ लेकर सब राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, बाइबल क्रिश्चियनिटी चर्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने विस्तार करने की शपथ लेते हैं और उसके साथ वो हनुमान जी को लेके। मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति का ब्लैक मैडोना वाला मामला बताया। अब इसके साथ अब ये जो हो रहा है, ऋषि सुनक जो एक भारतीय जो हरि नाम जाप करता है, दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन करता है, गौ माता का पूजन करता है, ये इंग्लैंड के गोरों को स्वीकार, ये चार मूवमेंट यूरोप
इंग्लैंड का मुझे पता है, जो कौन सा बड़ा बड़ा पत्थर है ना उनका, आप बताएंगे आदित्य जी, जो सूर्य की उपासना का बताते हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं इटली में, और बाकी जगह उनके देवी देवता जाग रहे हैं, मिनर्वा जाग रहे हैं, अपोलो जाग रहे हैं, और सबका नाम बताएंगे अपने आदित्य जी। अभी तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दुर्गा माँ का मंदिर। अरे बाबा रे, ये दुर्गा माँ का, ये यूरोप का है सराय। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो लोग देख भी सकते हैं। ये काली दुर्गा माँ की काली प्रतिमा, इसको आठ उसके तो उसकी पूजा, ये मंदिर है उसका एग्जैक्टली। उसको कैथोलिक चर्च ने ऑक्यूपाई किया, ये रोमानी लोगों का मंदिर था, रोमानी है। और आप जो बात कर रही थी वो इसकी बात कर रही थी, स्टोनहेंज की। स्टोनहेंज की, हाँ। ये स्टोनहेंज है। इसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, जिसमें छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी कितने सारे जो देश बने हैं, इस देश के लोग भारत आ रहे हैं कि हम किस जगह से, मेरे परिवार का दादा परदादा सरदादा नकरदादा कौन गया था यूरोप, मैं छत्री हूं कि हिंदू हूं, कि हिंदू तो हुई हूं कि वैश्य हूं कि कौन हूं। और बाकायदा हमारी बहियों में उल्लेख है कि कौन कहाँ जा रहा है। सूर्य पूजा शुरू हो गई है, जल की पूजा शुरू हो गई है, भगवान शंकर की पूजा शुरू हो गई है, राम लक्ष्मण जानकी अनेकानेक स्थान पर आ गए हैं। रावण ने ये राम नाम का नगर को ROME करके रोम बना लिया है। दूसरा इसराइल में रामल्ला रवन्ना, और इटली में एक रोम है, एक रवन्ना है, रावण का क्षेत्र है। इसी प्रकार से इसराइल में जो जेरूसलम है, वही ये फिलिस्तीनियन की राजधानी रामल्ला रामल्ला कुछ ऐसे नाम से है। रामदान उनका पर्व है, क्योंकि सनातनी पर्व है, उसको भारत वाले नाम बिगाड़ के रमजान कहते हैं। खैर अभी हम लोग यूरोप पर फोकस करें तो यूरोप में देवी देवता जाग, अब इन चारों और ऐसे कई और चल रहे हैं, सबकी मैं चर्चा नहीं कर, मुझे सबकी जानकारी दी। वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि भयंकर युद्ध मार काट चर्चियानिटी दुनिया भर के उसके कारण उत्पन्न हुए मनोविकार, मनोविकारों पर कभी चर्चा करूंगी यूरोप सीरीज में आज मन, उसके कारण त्रस्त यूरो अमेरिकी समाज का एक एक वर्ग, जिसको मैं प्रबुद्ध वर्ग कह रही हूँ, ये सुख शांति से जीना, और सुख शांति से जीने की इच्छा जीव मात्र की इच्छा है, मनुष्य मात्र की इच्छा है, पशु पक्षी वृक्ष जीव शब्द मैंने कहा उनकी इच्छा है, लेकिन कैसे जिए ये बताने वाले थोड़े लोग हैं, लेकिन पिछले 125 साल में ये संख्या बहुत बड़ी। अगर आप यूरोप का सेंसस रिपोर्ट निकाल कर देखें तो बाकायदा एक कॉलम है पेगन्स, पेगन्स मतलब सनातनी, पिछले 100 साल में इनकी संख्या मल्टीप्लाई करता है, 100, 110, 120, 130 नहीं 100, 200, 500, 700, 900, 800, इस तरह से ये संख्या बढ़ रही है। और अमेरिका में, यूरोप में, और जहां जहां ये गोरे लोग हैं वहां विशाल सनातनी मंदिर बन रहे, अक्षरधाम मंदिर और कौन कौन से मंदिर और क्या क्या मंदिर दुनिया भर के बन रहे हैं, और ये भारत को आए। तो ये जो एस्पिरेशन है सुख और शांति से जीने का, ये इनको कह रहा है कि जितना तुम्हारे पास है उसमें सुख चैन से जी, चर्च वाला कॉलोनाइजेशन वाला मार काट लंबा नहीं चल पाए। नाटो को से अमेरिका हटता है, नाटो से यूरोपियन देश हटना चाहता, तालमेल हट जाएंगे जल्दी,
जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन, पोस्टल यूनियन, पता नहीं कितने सारे यूनियन बनाए, इनमें बनने के साथ साथ 20-30 साल का मामला है, बड़ी बड़ी दीवार दरारें हैं, ये विघटित और उसी के साथ साथ यूरोप में नेशन स्टेट के पहले की जो रीजनल लोकल कल्चरल हिस्टोरिकल लैंग्वेज बेस्ड नन्ही नन्ही इकाइयों की आइडेंटिटी वो फिर सर उठा रही है, फिर एसर्ट कर रही है। और ये कतई थानेदारी की भूमिका के मूड में नहीं है, क्योंकि तो इनको समझ में आ गया है इट इज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो जहां जहां इनका हाथ फंसा हुआ है वहां से ये हाथ खींच रहे हैं, यूरोप अमेरिका सबको जोड़ के न वहां से ये हाथ खींच रहे हैं, किंतु ये नहीं चाहते हैं कि इनके हाथ खींचने पर एक्स कम्युनिस्ट पुतिन और एक्स और प्रेजेंट कम्युनिस्ट सिटिंग कम्युनिस्ट शी जिनपिंग एंड कंपनी उस स्पेस में आ जाए। ठीक है, समझदारी है। तो इजराइल और भारत को थमा कर ये निकल, तो इस थमाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो ये इलीगल आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट यानी गोरों की खींची हुई आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल लाइन्स ये मेल्ट कर रही है, ये रब आउट हो रही है। ये बालू में खींची लाइन पानी में खींची लाइन की तरह से विलीन हो रही है बालू में पानी में। और अगले 20 साल में ना 2-4-5 साल में, पहले हम बहुत सारे महासंघ देखेंगे और उन महासंघों के साथ साथ नेशन स्टेट की हटती हुई लाइनें देखेंगे। तो सार ये है, 19वीं और 20वीं शताब्दी एक अभूतपूर्व शताब्दी थी, जिसमें यूरोपियन लोगों ने वैश्विक स्तर पर अनेक अस्वाभाविक अननेचुरल भयंकर दानवी राक्षसी पापपूर्ण कृत्य किए। उन कृत्यों के समापन का, गोपन का, विलीनीकरण का समय आ गया, क्योंकि ये एक तो चर्च की जकड़न से मुक्त है अन्यों की तुलना में। अन्यों में कौन कौन? ये मिडिल ईस्ट वाले मुनाफिक और कम्युनिस्टों की तुलना में ये इनलाइटेंड है, ये रीजनेबल है, उनकी तुलना में ये रैशनल है, उन दोनों की तुलना में और जो पहले वो स्वयं थे उसकी तुलना में। तो ये इनकी सुख शांति की रहने की इच्छा, दुनिया में बवाल करने की इच्छा से इनको विरत कर रही है। और ये जो नया जियो पॉलिटिक्स उभर के आ रहा है उसमें तीसरा भाषण सुन के आप आनंद से झूम लेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे दूसरे भाषण की अगली। आदित्य जी, आज तो मैं ही लंबा लंबा बोलती चली गई। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप फ्लो में है और मुझे मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज द वे आप जो जिस तरह, एंड इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से स्टोरी को बनाती हैं नरेशन में, विच इज फिनोमिनल। तो क्योंकि आप धीरे धीरे आप सारे पॉइंट्स को टच कर रही हैं और इट्स ए बिग लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, सो फॉर दर्शकों के, मैंने बहुत भागता हूँ क्लास। यूनिवर्सिटी सिस्टम में मेरे इस पर 200 भाषण हुए, और जब मैं इंग्लैंड गई थी 93 में, 30 साल पहले, तब इन विषयों पर मेरे 2-3 भाषण हुए थे। लेकिन चैनल पर तो पहली बार आपने मौका दिया है यूरोप पर बोलने के लिए, इकोनॉमिक्स पर बोलने के लिए, और ये भी यूरोप से रिलेटेड विषय। यही तो चैनल का पर्पस है, डीबंकिंग मिथोलॉजी, आप भी इसीलिए। कहेंगे तो इसमें एक एक पॉइंट पर मैं एक एक टॉक दूंगी पूरे विस्तार। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, बिकॉज ये बहुत सारे शब्द ये सब मैंने अपनी बुक्स में टाइटल्स करके लिखे हैं, लेकिन मैंने इस पे एलाबोरेट नहीं किया है, क्योंकि ये
हर चीज इसमें एक इलेबरेट इसमें हिस्ट्री है इसकी, इलेबरेट कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ। और जो वेस्ट में हम लोग को दिखाया जाता है कि इजम्स, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, ये सब बड़े रीसेंट फिनोमेनाज हैं, ये एरिस्टोटल बहुत नए नए हैं, वर्ल्ड वॉर के आसपास का मामला है 60-70 साल। और चूंकि ये आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी है इसलिए टिकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं है। और अभी जस्ट एज वी आर स्पीकिंग, अभी रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पे अमेरिका में, इसको लोग बहुत मानते हैं, रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है, एंड तो इसने अभी ट्वीट किया है, एंड मैं से मिल चुका हूँ बहुत बार, दो बार मिल चुका हूँ इनको, और इन्होंने किया है क्रैश हैज बिगन किया है, इट इज हिज वॉइस क्रैश हैज बिगन। और ये जो व्यक्ति है कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है वो तो डिबेट का मामला है, बट हमारे भारतीय इकोनॉमिस्ट ने जैसे आपने और बाकी अंकित शाह जी ने और बाकी लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है। और लेकिन जो जिस एंगल से आप लेके आते हैं वो एंगल किसी कहीं भी मिलता नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हैं 400 BC, महाभारत से शुरू हो रहा है, तो लाइक कहाँ पे लोग कहाँ पे जाएंगे अगर नॉलेज नहीं होगा। तो नंदिनी से शुरू किया आपने, आज नंदिनी से शुरू किया और उसको लाके यहाँ पे आप लेकर आए ओनली 56 मिनट्स में, तो जस्ट इमेजिन कि जो भी इसमें सुन रहा है, एंड आई थिंक यू शुड कीप योर पेन एंड पेपर रेडी एंड कीप मेकिंग नोट्स। और जो आपने स्टोनहेंज के बारे में बात किया, अच्छा क्या क्या इनका एक षड्यंत्र क्या होता है कि जहां भी चर्च जाता है वो नेटिव कल्चर को देखता है, पहले तो उनको पगान डिक्लेयर करता है और बाद में उसी जगह वो चर्च बना देता है। तो इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन, वो कल्चरेशन करके उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो टू इंक्लूड द अदर पीपल। तो एंड उस तरह यूरोप में जो उन्होंने नाश किया था, मोस्ट ऑफ द पीपल, ओनली 32% ऑफ यूरोपियंस गो टू द चर्च टुडे, 32%। मैं आपको दो चीज और बताऊं, एकदम आश्चर्य हो गया। आरएसएस के पूजनीय सरसंघ चालक केसी सुदर्शन जी मध्य प्रदेश के भोपाल में जो संघ का कार्यालय समिधा, मैं और पंकज जी मिलने गए थे, उन्होंने पेंस वेंस क्या कहते हैं इतना छोटा सा सिक्का, वो इंग्लैंड गए थे तो लाए और दिखाए, उस पर अष्टभुजा धारणी का स्टैंपिंग था। बिल्कुल, कब की बात कह रही हूं मैं, 10-11 साल पहले। तो यार इंग्लैंड में 10-भुजा धारणी भगवती सिंहवाहिनी जगदम्बा का सिक्का पूजनीय सुदर्शन जी लेके आए। एक दूसरा, इंग्लैंड की जो ये रानी एलिजाबेथ थी उसके क्या सिक्योरिटी और क्या में भारतीय महिला या पुरुष कुछ लोग थे, उन लोगों ने सुदर्शन जी को दिखाया पुरानी का जहां सिंहासन रखा है उसके पीछे कोई पर्दा वर्दा या क्या है, उसको हटा कर दिखाया पूरा सूर्य का बड़ा चित्र। तो उनका कहना है कि हम सूर्यवंशी हैं लेकिन चर्च के झंझट से इसको छिपा रखा। तब की बात 21वीं शताब्दी, तो ये सनातन होने वाला मामला सदा से है, कंटिन्यूटी निरंतरता ब्रेक नहीं हुई है, कंटिन्यूटी ढकी हुई छिपी हुई, और किससे, जिसने ढक रखा है उससे, जो पूरी कथा नहीं जानता है उससे, लेकिन जो है वहां उसको तो पता ही है ना कंटिन्यूटी है। महल की जो सफाई कर रहा है उसको तो पता ही है, जो अपने घर में पूजा पाठ संस्कार कर रहे हैं उनको तो पता ही है। यूरोप के किस्से कहानियों में शेर का क्या लेना देना सिंह का, है शेर तो यूरोप के ठंडी क्वालिटी में होता ही नहीं है, होता ही नहीं ठंडे क्लाइमेट, लेकिन सिंह के प्रति कैसा आकर्षण है, जगदम्बा की सवारी सिंह है, लॉयन किंग, मंकी किंग, ब्लैक मैडोना,
ये निरंतरता में वहां है, और ऐसे बहुत सारे वहां मेरे से कई गुना अधिक आप जानते हैं, मैं तो उसको एक कड़ी में फिरूंगी। नहीं एक्चुअली नॉर्वे में अगर नॉर्वे फिनलैंड अभी वहां पे अप्रैल से अगस्त तक सूर्य निकला रहेगा, तो अभी वहां पे सूर्य अस्त नहीं होगा अभी, तो वहां पे एक स्पेशल पूजा होती है नॉर्वे में, और स्पेशल पूजा में जैसे हम लोग बोलते हैं शाकद्वीप बोलते ज्यादातर, क्योंकि वो पहले रामायण काल में वो एक उसके बीच में समुद्र जाता था, तो वो पूरा कटाई हुआ था, वो उसको द्वीप ही बोला जाता है। और आज भी बोलते हैं कि यूराल माउंटेन्स का जो स्लोप है वहां पे पानी रहता था पहले, तो इसीलिए अर्जुन जो है उस तरफ क्रॉस नहीं करता है पूरी तरह, वो नॉर्थ में जाके ऑलमोस्ट टच करके जॉर्जिया होके फिर वो नीचे आ जाता है। और जॉर्जिया में इंद्र का अभिषेक के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है बड़ी क्लियरली, कि जहां पे सहस्त्र, जहां पे जो हजारों झरने एक साथ बहते हो, ये हरिद्वार वाला सहस्त्रधारा नहीं, ये कालकूट पहाड़ के पश्चिमी दिशा का वो है। तो कालकूट एक भारत में भी है, कालकूट नाम की जगह आजकल आर्मेनिया में भी है, वहां पे भी कालकूट नाम की जगह है, और कश्यप सागर के पश्चिमी दिशा में, तो ये वर्णन तो है उधर। लेकिन नॉर्वे में जो पूजा होती है वो होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पांच चेहरे हैं, सो फाइव फेसेस ऑफ दैट मैन, फाइव फेसेस की जिसकी पूजा होती है वो एक ही व्यक्ति है महादेव, ब्रह्मा के चार महादेव के पांच, इसलिए हम रुद्र अवतार भी बोलते हैं, पांच रुद्र मुख्य रुद्र उनके अवतार उसको करते हैं, तो वो ही एक है, वो बड़ी कॉमन पूजा है वहां नॉर्वे में, और जिसको चर्च पैगेन वर्शिप बुलाता है। और वहीं पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है शामी लोग, शामी कम्युनिटीज, जो कि स्कैंडिनेवियन कम्युनिटीज है, कभी कभी वो साउथ यूरोप में भी मिलती है शामी कम्युनिटी, और वो शामी कम्युनिटी पे आज भी अत्याचार चलता है। अगेन उनके पूजा किसके होती है, अट्टशूल प्रणय खड़ग खेत धारिणी, तो आठ हाथों में शस्त्र लेके खड़ी हुई है, और उनका जो सिंबल है वर्शिप का वो है सूर्य। रोमानी लोग तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो तो भारत से ही है, सुषमा स्वराज जी ने पर्सनली उनको इनवाइट किया था भारत में और 2007 में, तो वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है रोमानी लोगों का। लेकिन ये सब प्रूफ आज भी हैं, जीवित कल्चर्स हैं, लेकिन वहां पे गरीबी इतनी ज्यादा फोर्स की गई इन लोगों के ऊपर कि इन सभी को स्टेट फंड के नाम में इनको दबा दिया जाता है। लेकिन एक समय में आके सब उठेंगे, क्योंकि वहां के लोग उठाएंगे, एक साथ उठेंगे। मैं फिनलैंड गई तो वो हवाई जहाज में जो नहीं थोड़ा सा लिटरेचर पड़ा होता है, उसमें मैंने फर्टिलिटी के देवता, वन के देवता, अग्नि के देवता सब पढ़ा, बड़ा चकराई में। तो वहां जाके मैंने भाषण दिया कि आप कौन हैं, ये मैंने दिया हेलसिंकी के डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज था उसमें, उसके डायरेक्टर वायरेक्टर सब, और मैंने कहा कि आपके गॉड जाग रहे हैं, आंसू बह रहे थे, ये मैं बता रही हूँ 1994 की। और एक घर में गई, एक महिला को मैंने एक बुकमार्क प्रेजेंट किया जिसमें नन्हे से गणेश जी बने थे, उसने कहा टोंटू, और फिर उसने मुझे 20 टोंटू दिखाए, रसोई का टोंटू, पानी जहाँ रखते हैं उसका टोंटू, खलिहान का टोंटू, जहाँ दूध बिलोते हैं उसका टोंटू, 200 टोंटू दिखाए, देवी देवता सा है। अब वो जाग, और पूरे यूरोप होती है ना अपने यहाँ देव उत्थानी एकादशी, तो देव उत्थानी एकादशी आ गई है, तो अब विश्व जो तेजी से बदल रहा है, तो क्रैक आते आते समय लगता, और एक दिन ढू, तो ये जो ढू है ये 29 के पहले होने वाला है, 2029 के पहले। स्वास्तिक मंडल जो होता है हमारा, स्वास्तिक मंडल पूरे यूरोप की सारी एंशियंट पोट्रीज में, सारी, कभी भी ऐसी जगह नहीं बची जहां स्वास्तिक ना हो। और स्वास्तिक कोई उल्टा करके कैथोलिक चर्च वालों ने हेकन क्रूज बनाया, जिसको हिटलर ने अडॉप्ट किया हेकन क्रूज को, और लोग चाहे चर्च ने, तो अगर हम चर्च के ऐसा बोलते हैं ना, तो आप कहीं फेसबुक पे लिख दीजिए कि कोई हिटलर कोई रोमन कैथोलिक था,
तो आपको बैन कर दिया जाएगा, फेसबुक से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना कंट्रोल है चर्च का। तो ये सब चीजें चल रही है, बट अमेजिंग टॉक, अमेजिंग, आपने पूरा धागों से बांध दिया, सूत्रे बनी गड़ाएगा ऐसा बोलते हैं भगवत गीता भगवान बोलते तो आपने पूरा बांध दिया और दर्शन सुनते हैं आपको आनंद आएगा। मुझे आपके सारी टॉक्स में आनंद आता है, कितने आपके 103 शोज हो चुके हैं सतोलॉजी पे, तो लोग 103 लेक्चर सुनिए, आपको 24 घंटे से ज्यादा लगेगा एक बार सुनने के लिए सभी को, तो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को अपने कार में चलाइए आप अपना सेलफोन। हाँ, और आपके शो को मैं ट्रांसक्रिप्शन करवा रही हूँ और छोटी छोटी मिमियोग्राफ और मोनोग्राफ में आपको भेजूंगी आप किंडल पर डाल। ठीक है, बिल्कुल, ये काम आज शुरू हो गया है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा ट्रांसेंडिंग द माइंड रिट्रीट्स शुरू हो चुका है। पहला रिट्रीट है उक्षमाल में, मेक्सिको में, और उक्षमाल महादेव का मंदिर है, आप चलिए वहां पे मेरे साथ, और मैं पुजारी सेवा बहुत कर चुका हूं तो सारे मुझे मंत्र याद रहते हैं, तो आपको सारे उपचारों के साथ उपचार होगा, और वो भी मेक्सिको में, मेक्सिको कोई मालूम नहीं है कि महादेव का मंदिर है, तो पहली बार जाके हम पूजा करेंगे वहां पे महादेव की, तो वो होगा जुलाई में, तो आप वहां पे जुड़िए और मेरे को मैसेज भेजिए, अगर आप यूएस में हैं आ सकते हैं, वीजा है तो जरूर चलिए मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।